गोला गतनी समाचार बटुए विक्रमगंज से रिपोर्टर बनी राजू रंजन दुबे जी। खबर के हेडलाइन सुनी, अनुमंडलीय स्तरीय 29वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रदर्शन के आयोजन। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्रा अपना प्रोजेक्ट के प्रस्तुत कैलन। खबर काबा विस्तार से जानी। खबर रोहतास के विक्रमगंज से बटुए। सोमवार के स्थानीय शहर के उच्च विद्यालय तेंदुली के प्रांगण में अनुमंडल स्तरीय 29वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रदर्शन के आयोजन कैल गए। विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम के उद्घाटन स्थानीय शहर के डॉक्टर नागेंद्र झा, महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा मंगलाचरण करत दीप प्रज्वलित करके शुरुआत कैल गई। यह कार्यक्रम के अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापिका सुनीता कुमारी कैली। यह कार्यक्रम के उपरांत मुख्य अतिथि डॉक्टर मिश्रा के द्वारा जिला से आयल अन्य अधिवक्ता आ प्रतियोगिता में शामिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत अनेक प्रखंड के अनेक विद्यालय के प्रतिभागी के साधुवाद दिल गए। एकरा बाद विज्ञान प्रदर्शनी मेला में आयल प्रतिभागी अपन अपन प्रोजेक्ट वर्क के प्रस्तुत कैलन। विज्ञान प्रदर्शनी मेला में आयल जिला स्थानीय व्याख्याता के द्वारा प्रतिभागी के कला कौशल के देख के उनकर कला के काफ़ी सराहना कैल गई। यह प्रतियोगिता में हाई स्कूल तेंदुलू स्कूल के छात्रा गीतांजलि कुमारी, कोविड 19 सीनियर सेकेंडरी स्कूल विक्रमगंज के छात्रा इमाम हसाहीन खातून प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण कैल, अभ्युदय इंटरनेशनल स्कूल दिनारा के छात्रा ओजे विद्या सिंह ट्रेडिशनल फार्मेसी या मॉडर्न फार्मेसी सहित अन्य छात्र छात्रा विज्ञान प्रदर्शनी में अपन अपन प्रोजेक्ट प्रस्तुत कैलो। यह कार्यक्रम में पेश कई गई प्रोजेक्ट वर्क के देख के व्याख्याता के सब प्रतिभागी के उनकर वर्क के सराहत ईश्वर से आगे बढ़े के कामना कैल गई। मौका पे साइंस फॉर सोसाइटी के जिला समन्वयक डॉक्टर रविंदर सिंह, डॉक्टर राम कृपाल सिंह, उत्पल सिंह, विजय कुमार, सुनील कुमार, कुमुद रंजन तिवारी, मृत्युंजय पाठक और शिक्षिका रीता कुमारी, रेणु कुमारी, सुमन कुमारी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। बता दें कि आवे वाला समय के वैज्ञानिक ये लड़का ही बनी है। अपन कला कौशल से सबके आश्चर्यचकित कर दिए लोग। एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट तैयार कैले रहे लोग। जना में देखावल लोग कि कैसे वायु के हमनी के शुद्ध कर सकतनी जा। ये वायु के शुद्ध करे के उपाय का बटुए। साथे साथे तमाम प्रकार के कला के प्रदर्शन छात्र लोग के द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से कैल गए। भोजपुरिया समाचार है छात्र लोग से भी बात सुनाई, बातचीत भर राजू रंजन दुबे जी के वो भोजपुरिया समाचार सुनाई। लेकिन रोरा सबसे निहोरा बा कि अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर ली, लाइक के बटन दबाई, शेयर करी। ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जिससे हम सब स्वस्थ और स्वस्थ रहते हैं। पर्यावरण के कारण हम सब कई प्रकार की बीमारियां नहीं होती। पर्यावरण पेड़ पौधे की हरियाली के कारण मन का तनाव दूर होता है तथा मन को शांति मिलती है। पर्यावरण पशु पक्षी और अन्य जीवों और चीज़ों को बचाने और बढ़ाने और विकास करने में मदद करती है। मनुष्य भी पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर्यावरण से हानि, आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। पर्यावरण बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पर्यावरण प्रकृति दिनों पर दिन नष्ट होती जा रही है। जैसे गाड़ी की धुआं, फैक्ट्री में खाद, मशीनों की आवाज़, जल और खराब रासायनिक जल की वजह से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की वजह से हो रहा है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे हमारा देश स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और उन्नति की ओर आगे बढ़ता रहे। नाम क्या हुआ? दुर्गावती कुमारी। किस क्लास के स्टूडेंट्स? क्या बता सकती हो कोविड-19 के बारे में? बता सकते हैं कि मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मतलब उसको छूना नहीं है, हाथ एक दो गज की दूरी रखना है, सैनिटाइजर उपयोग करना है, मास्क पहनना है, छींकते हैं या हम लोग खांसते हैं तो उससे मतलब टिश्यू पेपर से ढकना है या मतलब वैक्सीनेशन लगवाना है और हाथ साबुन से बार बार धोना है। और क्या इसका फंक्शन है सर? मतलब इसके बचाव के क्या कारण है? इसके बचाव का कारण यही है कि मतलब हम दो गज की दूरी बनाए रखने में इससे बच सकते हैं और ये मास्क भी लगाएंगे और सैनिटाइजर उपयोग करेंगे तो इससे हम मतलब सतर्क रहेंगे। नाम क्या होगा? गीतांजलि कुमारी। किस क्लास के स्टूडेंट? वर्ग 9 से।